Assalamualaikum. Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine at your home. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 2. And today our subject is GK and our topic is Chapter Number 6, Musical Instrument. Presented by Hina, जो आपकी टीचर है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो देखो बेटा, ये आज मैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बता रही हूँ. तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें सुनना अच्छा लगता है, उससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है ना. किसी को हॉबी होती है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, म्यूज़िक सीखना है. आप देख ही रहे हो कि अभी टीवी पर ऐसे रियलिटी शोज आते हैं कि उसमें हम कैसे कैसे बच्चे, मतलब छोटे छोटे बच्चे ऐसे सॉन्ग्स गाते हैं, है ना. तो उसको जैसे कि हर एक की हॉबीज़ अलग अलग होती है. तो हम देख रहे हैं कि अभी म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि सबको इंटरेस्ट तो होता ही है ना. तो यहाँ पर मैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की मैंने बात की है, तो मैं आपको बताऊँगी इमेज पिक्चर्स दिखा के कि किसे क्या बोलते हैं, है ना. ओके, तो आप रेडी हो जाओ और पिक्चर को अच्छे से देखो और उसे क्या बुलाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी. लो, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर किसका है? ये तबला है. तबला आपने सुना ही होगा, मोस्टली गरबास खेलते हैं या कभी कभी ऐसे ओल्ड जो अलग अलग वे में होती है, थीम्स होती है, उसमें ये तबला यूज़ होता है ना. ओके, नेक्स्ट देखो फ्लूट. फ्लूट आपने सुना ही होगा अपने कि हिंदू लोगों में ये भगवान श्री कृष्ण जो है ये फ्लूट बजाते थे, पता है आपको. तो फ्लूट का बहुत सारा यूज़ होता है म्यूज़िक में. हम जो सॉन्ग गाते हैं उसके अंदर ऐड होता है ना. आपको पता ही होगा, आप कभी सॉन्ग सुनते हो बेटा, तो सॉन्ग में फ्लूट का बहुत यूज़ होता है. उसमें हर एक अलग अलग उसके रिदम्स डालते हैं, है ना. तो इसे कहते हैं हम फ्लूट. नेक्स्ट देखो गिटार. गिटार तो मोस्टली सबने बच्चों ने देखा ही होगा, किसी के घर पर भी होगा. तो गिटार ये ऐसी चीज़ है जिससे हम बजाते हैं, तो लाइट म्यूज़िक विदाउट बहुत ज़्यादा मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए बिना कि गिटार का यूज़ करके हम नॉर्मल सॉन्ग भी गा सकते हैं, है ना. तो इसे कहेंगे हम गिटार. नेक्स्ट देखो शहनाई. आपको पता है कि जब हिंदू कल्चर में जब मैरिज होती है तो ये शहनाई का यूज़ होता है मोस्टली. ये चीज़ म्यूज़िक में भी होती है, लेकिन ऑफिशियली मैं आपको बताऊँ तो ये चीज़ है ना, तो मैरिजेस में मोस्टली हिंदूज मैरिज में ये शहनाई यूज़ होती है और बहुत ही अच्छा लगता है, सबका वेलकम इससे करते हैं, जिसे हम कहेंगे शहनाई. नेक्स्ट देखो हारमोनियम. हारमोनियम आपने देखा, देखो पिक्चर दिख रहा है कैसे, तो हमने बजाया हुआ है, वो करते हैं, है ना. तो इसे हम कहेंगे हारमोनियम. तो हारमोनियम के अलग अलग फ्लूट होते हैं, देखो अलग अलग, जिसे हम के यहाँ पर टच करेंगे तो अलग म्यूज़िक बजेगा, यहाँ पर टच करेंगे तो अलग म्यूज़िक बजेगा, तो इसे हम कहेंगे हारमोनियम. ओके, नेक्स्ट देखो वीणा. ये बहुत पहले के ज़माने में जब ये सारी नई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब गिटार की जगह पर ये वीणा भी यूज़ होती थी, तो इसे हम कहेंगे वीणा. यहाँ पर उसके कनेक्शन होते हैं जिससे हम म्यूज़िक कर सकते हैं, है ना. ओके, समझ में आया बेटा. नेक्स्ट देखो सितार. सेम से इसके जैसा ही है वीणा के जैसा, पर इसके अलग अलग लिरिक्स होते हैं, अलग अलग उसके म्यूज़िक के टर्म्स होते हैं. सहना सितार में भी अलग अलग उसके अलग अलग यहाँ पर अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो जिससे हम म्यूज़िक को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, है ना. तो म्यूज़िक कैन मतलब हमें रिलैक्स करता है हर एक चीज़, ये बहुत यूज़फुल भी है ना. तो हमें समझना है कि हम जब किसी कोई आपके घर पे सारे गमा पा देखता होगा, तो आपने देखा होगा कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कितने सारे होते हैं, तो म्यूज़िक में यही सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है और हमको सॉन्ग भी इसीलिए बहुत अच्छा लगता है. तो ये सारी चीज़ें बहुत ऑसम है. ओके बेटा, समझ में आया. वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल करके पूछना है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.